गुरुदेव सिया सिद्ध योग ध्यान की आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंख बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सिया के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकाल कर फेंक दें। अब शक्तिपाद दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल करें या इशारे से, किसी को नहीं बताएगा। रहता सिंह का है ना, अब कैसे छूटे नाम नाम रट लगे। किसके लगे इधर नाम रट? राम के लगे, कृष्ण के लगे, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे समझे, वो मंत्र बता दो। एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा उसका होता है। एक शब्द क्लिंग शब्द, कह आधा लय में मिला हुआ, बड़ी एक ही मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लिंग। गा गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो या स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मने मन बोल के देखो, अंग बहुत यहां स्ट्रोक लगता है तो इसमें क्लिंग। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं, क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व तो शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा का तो है सांसारिक सुख दी, कृष्ण मोक्ष। जय गुरुदेव सभी को। जय दादा गुरुदेव। आज की दिव्य लेखनी का शीर्षक है, दुख सुख की अनुभूति ही जीवन है। 24 मार्च 1988 को पूज्य गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग ने, जो एबीएस के जोधपुर के संस्थापक और संरक्षक है, इस दिव्य लेख को लिखा था। गुरुदेव कहते हैं, संसार का हर परिवर्तन पूर्व निर्धारित है। इसी प्रकार प्रत्येक प्राणी का जन्म से मृत्यु पर्यंत सारा जीवन पूर्व निर्धारित व्यवस्था द्वारा संचालित होता है। वह परम सत्ता जीव को भरमाती हुई अपनी इच्छा से चलाती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस संदर्भ में स्पष्ट कहा है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, ग्राम्यं सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मयया। इस संबंध में भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से संसार की व्याख्या करते हुए कहा है,
कालो अस्मी लोक क्षय कृत प्रवृद्धो लोकान संहार तू मित प्रवृत्ति कृते अपि त्वा न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यनिकेषु योधा तस्मात् मुतिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्गस्व राज्यं समृद्धं मयवते निहतां पूर्वमेव निमित्त मात्रं भव सव्य साचेन द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा अन्यानपि योद्वीरान् मया हतान् त्वं जहि मा व्यष्टिता युध्यस्व जेतासि रणे सपन्ना। गीता के उपयुक्त श्लोकों से स्पष्ट हो जाता है कि उस परम सत्ता की इच्छा के बिना संसार में पत्ता भी नहीं हिल सकता। मुझे आराधना के दौरान ऐसी असंख्य घटनाओं का पूर्वाभास हुआ और सभी भौतिक रूप से सत्यापित हुई। बहुत सी ऐसी घटनाएं जो अभी तक मेरे जीवन में घटी नहीं, मेरा ध्यान अधिक आकर्षित किया। मुझे किसी भी घटना के घटने का निश्चित समय नहीं बताया जाता था, केवल आगे घटने वाली घटना का सही दृश्य टेलीविजन पर दिखा दिया जाता। ऐसी घटनाएं पूर्व जन्म तथा इस जन्म दोनों से संबंधित होती थी। जिज्ञासावश मैंने उन घटनाओं का समय जानने के लिए ध्यान को केंद्रित करके आराधना प्रारंभ कर दी। चंद दिनों में उत्तर मिला कि जो होना है पूर्व निश्चित है, उसके लिए समय और शक्ति का दुरुपयोग क्यों कर रहे हो। चंद दिनों में उत्तर मिला कि जो होना है पूर्व निश्चित है, उसके लिए समय और शक्ति का दुरुपयोग क्यों कर रहे हो। सुख दुख की अनुभूति ही तो जीवन है। जीवन में होने वाली सभी बातें स्पष्ट मालूम होने पर सुख दुख की अनुभूति खत्म हो जाएगी। इस प्रकार जीवन पूर्ण रूप से नीरस हो जाएगा। इस प्रकार उस गुलाबी पर्दे की स्थिति हटने की हो जाएगी। अतः यह निरर्थक प्रयास क्यों कर रहे हो। अतः मैंने निश्चित समय मालूम करने का प्रयास बंद कर दिया। संसार एक स्वप्न है। सुख दुख की अनुभूतियां मात्र त्रिगुणमयी माया का खेल है। इस संसार में विचरण करते हुए कोई भी जीव इसके प्रभाव से वंचित नहीं रह सकता। ईश्वर की इस माया से कोई भी प्राणी बच नहीं सकता। समर्थ सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। परंतु जो जीव संत सद्गुरु की शरण में चला जाता है, उसके बंधन धीरे धीरे कटने लगते हैं। माया की पकड़ से वह जीव एक ही जन्म में छुटकारा पाकर आज्ञा चक्र को भेद कर सत्यलोक में अनायास ही प्रवेश कर जाता है। इस तरह के जीव को संसार के सुख दुख अधिक प्रभावित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह जीव माया के क्षेत्र को लांघ जाता है। इसलिए माया भी उसकी चेरी बनकर उसको रोकने के स्थान पर ऊपर की तरफ आरोहण करने में मदद करती है। संत गुरु द्वारा प्राप्त किए हुए प्रकाश शब्द के सहारे वह जीव निर्विघ्न निरंतर उस परम सत्ता के नजदीक जाता रहता है। इस प्रकार से संसार के असंख्य जीव जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पा जाते हैं। श्री अरविंद ने स्पष्ट कहा है, एक संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन में हर वस्तु के लिए अवकाश होता है। अतः इस युग के धर्म गुरुओं द्वारा खींची गई काल्पनिक लक्ष्मण रेखा एक भ्रम है। स्वर्ग नरक पाप पुण्य सही गलत की व्याख्या संसार के जीवों को भ्रमित कर रही है। गीता का सही अर्थ अर्जुन से बढ़कर किसी को मालूम नहीं हो सका। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से पूर्ण भेद बताते हुए अपने दिव्य दृष्टि देकर अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराते हुए संसार का पूर्ण और सच्चा ज्ञान अर्जुन को बता दिया था। गीता का उपदेश समाप्त होने पर अर्जुन ने जो कुछ किया वही गीता का सही अर्थ है। उसमें त्याग तपस्या दान धर्म पाप पुण्य आदि आधुनिक गुरुओं का कौन सा उपदेश सम्मिलित है। अर्जुन ने जो कुछ किया संसार के धर्म गुरु इस समय गीता से ठीक उल्टा कार्य करवा रहे हैं। समर्थ सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। गीता रूपी ज्ञान की समाप्ति पर भगवान ने अर्जुन से पूछा, कच्चिदेच्छुतम पार्थ त्वयैकाग्रेण च
चेतसा कच्ची दक्षा न सम्मोह नम प्रनष्टे ते धनंजय। इस प्रकार गीता रूपी ज्ञान देने के बाद भगवान ने अर्जुन से पूछा। इस प्रकार पूछे जाने पर अर्जुन ने स्पष्ट कहा, नष्टो मोह स्मृतिर लब्धा त्व प्रसादान मया स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया गीता रूपी ज्ञान भी इस युग के प्रभाव से नहीं बच सका। इस युग के धर्म गुरु गीता की व्याख्या इस प्रकार तोड़ मरोड़ कर कर रहे हैं कि उनका स्वरूप ठीक उल्टा बना दिया। हम किसी को दोषी नहीं बना सकते, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि मैं संसार के जीवन को भरमाता हुआ अपनी इच्छा के अनुसार चला रहा हूँ। अंधेरे के बिना उजाले की कीमत मालूम नहीं हो सकती, दुख के बिना सुख के आनंद का आभास नहीं हो सकता। इस समय संसार में फैला घोर अंधकार स्पष्ट बता रहा है कि उस परम सत्ता का प्रकाश संसार में प्रकट होने ही वाला है। इस संबंध में महर्षि अरविंद ने स्पष्ट कहा है, वह ज्ञान जिसे ऋषियों ने पाया था फिर से आ रहा है, उसे हमें सारे संसार को देना होगा। इस प्रकार भारत को संसार में शांति स्थापित करने और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने हेतु अवश्य खड़ा होना पड़ेगा। मेरी स्वयं की प्रत्यक्षानुभूतियों के अनुसार इस सदी के अंत तक सारा संसार भारत को धर्म गुरु स्वीकार कर लेगा। समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव। अध्यात्म विज्ञान शिक्षण केंद्र जोधपुर के संस्थापक और संरक्षक कल की भगवान श्री समर्थ गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव की दया व कृपा से चलने वाले इस सम्यक ध्यान व कार्यक्रम में ज्ञान व अनुभव का हार्दिक स्वागत है। ये कार्यक्रम शाम चलता है। सुबह इस कार्यक्रम में गुरुदेव की दिव्य वाणी के साथ साधक जन ध्यान लगाते हैं, और उसके बाद शाम को जब ये प्रोग्राम होता है तो सबसे पहले हम गुरुदेव की दिव्य वाणी में स्पीच सुनते हैं, उसके बाद ध्यान लगाते हैं, उसके बाद ज्ञान की विधि जानते हैं, और उसके बाद गुरुदेव द्वारा रचित दिव्य लेखनी पढ़ते हैं। गुरुदेव ने दिव्य लेखनी अपने कार्यकाल अपने समय में लिखी थी, अब हम उनको पढ़ते हैं, उसे बहुत कुछ जानने को मिलता है। और उसके बाद सभी साधक जन 8 बजे अपनी अपनी बातें सेशन में रखते हैं या अपनी कोई प्रश्न या जिज्ञासा रखते हैं। और आपसे भाईचारा, आपसे सद्भाव इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है। इसमें किसी के साथ किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं किया जाता है, और इसके साथ ही एक समय सीमा रहती है सेशन की, जो 8:30 बजे तक रहती है, कि हम अपनी बात को 8:30 बजे तक रख ले। ये हमें विशेष ध्यान रखना है। चलिए, ज्यादा समय ना लेते हुए अब हम कार्यक्रम को शुरू करते हैं, और आप सभी साधकों को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। कोई भी साधक आकर अपनी बात रख सकता है। चलिए, कोई नहीं आता है तो हम गुरुदेव के किसी साधक का अनुभव पढ़ देते हैं। जय गुरुदेव। एक अविरल गुप्ता गुरु भाई की एक्सपीरियंस है। अविरल गुप्ता अस्थमा से राहत, पुणे महाराष्ट्र भारत से ये हैं। ये कहते हैं, मैं अविरल गुप्ता श्री दीपेंद्र गुप्ता का पुत्र हूँ। मेरी उम्र 10 वर्ष है। मैं अभी पुणे में रहता हूँ। मेरे पिछले 2-3 वर्षों से मुझे अस्थमा और एलर्जी की समस्या थी। अस्थमा के कारण मुझे खेलने जाने से पहले हर रोज पंप लेकर जाना पड़ता था। कभी कभी रात को भी पंप लेना पड़ता था। मेरे पापा पिछले काफी समय से गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग का दिया हुआ संजीवनी मंत्र का जाप व नियमित ध्यान कर रहे हैं। मैंने भी पिछले 2-3 महीनों से गुरुदेव का ध्यान और मंत्र जप करना शुरू किया। कुछ ही दिनों में मुझे सीने में काफी तेज शारीरिक क्रियाएं और अन्य योगिक क्रियाएं होने लगी।
जिसके कारण कुछ ही दिनों में मैं स्वस्थ महसूस करने लगा और मेरी अस्थमा की समस्या पूर्णतः ठीक हो गई। अब मुझे पंप लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अब मैं रोज बिना पंप लिए खेलने जाता हूँ और आसानी से काफी देर तक खेल पाता हूँ। मेरी अस्थमा की समस्या केवल गुरुदेव के ध्यान और मंत्र जप से ठीक हो गई है। यह हम सबके लिए एक आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि मेडिकल साइंस में आज भी यह एक असाध्य रोग है। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। इसके अलावा ये थॉमस गुरु भाई हैं, एक इनका एक आध्यात्मिक अनुभव है जो थॉमस पेरिस फ्रांस से हैं। गुरु भाई लिखते हैं, जोधपुर आश्रम में मेरा पहला अनुभव बहुत दिलचस्प था। वहां के लोगों ने मुझे सिद्ध योग दर्शन को समझने में मदद की। एक शिष्य ने मेरे लिए हर चीज का अनुवाद किया और मुझे संगठन से परिचित कराया। मैंने एक दिन पहले ही गुरुदेव की शक्ति के बारे में सुना था और मुझे आध्यात्मिकता में चक्रों की भूमिका जानने में बहुत दिलचस्पी थी। उस समय खाने की अपच के कारण मेरी छाती में दर्द था। जब हमने ध्यान शुरू किया तो मैं मंत्र पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, तब कुछ हुआ। मेरा शरीर गर्म हो गया और मुझे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। गुरुदेव से मुलाकात भी बहुत दिलचस्प रही। आप बात करना बंद कर देते हैं, आप हिलना बंद कर देते हैं, आप सोचना बंद कर देते हैं। आप जानते हैं कि आप एक विशेष व्यक्ति हैं, एक प्रबुद्ध व्यक्ति के सामने हैं। तो उसके साथ संपर्क और आप पर उसकी आंखों का अनुभव बहुत आरामदायक है। लोगों ने मुझे पहले कहा था, थॉमस आप इसे स्वयं अनुभव करेंगे। अब मुझे पता है कि कैसे विशेष संयोग है यहाँ आने के लिए, एक आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव करने के लिए। मुझे आपकी गर्म जोशी से स्वागत करने के लिए धन्यवाद कहना है। आपकी मुस्कुराहट के लिए धन्यवाद। मेरे साथ अनुभव साझा करने के लिए धन्यवाद। अब मेरा सीना बेहतर महसूस करता है और यह दिन हमेशा के लिए मुझे याद रहेगा। एक छोटी सी अनुभूति थी थॉमस गुरुबाई की। किसी भी बीमारी से ग्रस्त नहीं हूँ तो मुझे सिद्ध योग से लाभ किस प्रकार मिल सकता है? सिद्ध योग का मुख्य उद्देश्य आत्म साक्षात्कार और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति है। जैसा गुरुदेव ने अपने बहुत से प्रवचनों में कहा है कि वो यहाँ मुक्ति देने के लिए आए हैं। सिद्ध योग की साधना से साधक को मिलने वाला यह लाभ उच्चतम है। कैसे ठीक हो गया तो गुरुदेव गिफ्ट देते तो जयराम जी कोई लेन देन नहीं। गुरु जी अब इस मामले में वो फंस जाते हैं, ये हमारा गिफ्ट से काम नहीं चलता, वो तो रिश्वत है। यहाँ तो जीवन भर समर्पित रहना पड़ेगा, बचना है तो शैतान से, नहीं तो ले जाएगा वो। तो गिफ्ट संस्कृति वो, अभी अब उसका ईमेल आया था, अब मैं समझ गया क्या ये वो फिलोसफी नहीं जानते। उसने कहा जी दर्शन क्या है, हम तो समझते नहीं, हम तो ईसा मसीह आगे काली पीते है। तो इस प्रकार जो योग होगा उससे आपके सारे शारीरिक रोग खत्म। एड्स कैंसर तो भूल जाओ कि इससे मरोगे, भूल ही जाओ, कत्ते ही भूल जाओ। नाम जपोगे सब्जेक्ट टू, नाम नहीं जपोगे तो इसके साथ दूसरा नाम भी नहीं जपोगे। नो मैं बताऊंगा वही जपोगे, जैसे बताऊंगा उसमें कोई प्रणव आगे पीछे लगाना कुछ नहीं, जैसे बताऊंगा वैसे जपोगे। तो इस प्रकार ध्यान करोगे उससे तो आपको योग होगा, आपकी इच्छा के खिलाफ कुछ नहीं होगा, आप नहीं चाहो कुछ भी नहीं होगा। कई लोग डरते हैं जबरदस्ती हो जाएगा, मतलब बहुत तेजी से मूवमेंट होता है तो पास बैठा हुआ डर जाता है, मगर जब बाद में पूछोगे क्या हो गया तो होगा बड़ा आनंद आया। नहीं ये आदमी की इच्छा के विपरीत बात हो जाती है। मेडिकल वाले तो कहते हैं कि पेशेंट कोऑपरेट करें, यहाँ तो नॉन कोऑपरेट करके देख ले, फैसला हो जाएगा, अब भी हो जाएगा, समझे। तो इस प्रकार योग से शारीरिक रोग खत्म, अब मानसिक रोग भी खत्म हो जाते हैं। मेंटल टेंशन से संबंधित 80 प्रकार की बीमारियां होती
और मेडिकल साइंस के पास नशे के अलावा उसके लिए कोई इलाज नहीं है। ज्यादा तनाव बढ़ गया, हाइपरटेंशन हो गया, नींद की दवाई, नशा, नशा उतरा वो रोग वैसे है कि वैसे वो टेंशन वैसे के वैसे। नशा तो हम भी प्रॉपर इलाज मानते हैं, मगर वो नशा मैटर का नहीं, स्पिरिट का होना चाहिए। राम के नाम का नशा होना चाहिए। वो कोई बैटर उठा के इतनी सी गोली दे दी, उससे वो नशा नहीं। नाम के नाम में नशा होता है, ईश्वर के नाम में नशा होता है। नानक देव जी महाराज ने कहा ना, भांग दे तुरा नानका होता जाए पर बात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ये बात कबीरदास जी कहते हैं, नाम अमल उतरे ना भाई, नाम का नशा उतरता नहीं, और अमल चिंचन चढ़ उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवाया। भगवान कृष्ण ने इसको आनंद कहा है गीता में। गीता में पांच श्लोक है, पांचवें अध्याय में एक श्लोक है, इक्कीसवां छठे अध्याय में चार श्लोक, 15, 21, 27, 28, उसमें भगवान ने इसको दिव्य आनंद कहा है, अक्षय आनंद कहा है, इंद्रिय अतीत आनंद कहा है, ईश्वर ध्यान जनित आनंद कहा है। मगर जब तक ये आनंद नहीं आता ना, आदमी आनंद और सुख में भेद नहीं कर पाता। ओ बेटा पोता कार बंगला सबको है जी आनंद में, और एक आइटम गड़बड़ा जाए तो फिर आनंद में खलल पड़ गई। वो आनंद नहीं, वो सुख है, इंद्रियों से अनुभव होने वाला सुख है, ये इंद्रिय अतीत आनंद है। समझा, ये जब आनंद जब आएगा ना, तो आपको मतलब पता लगेगा कि सुख क्या है, आनंद क्या है। जब ये बड़ा अजीब आनंद आता नहीं आज तक, ये नाम से आता है, अगर चेतन मंत्र तो नाम से आता, तो इसको जपोगे तो आपको आनंद आने लग जाएगा, 24 घंटे में मस्ती में रहोगे। अब क्योंकि टेंशन होगा नहीं, वो तो नशा उतर जाता है दवाई वाला, तो इसलिए हो जाता है। ये उस नाम का नशा उतरता नहीं तो दोबारा टेंशन होगा नहीं, और नहीं होगा तो उससे रिलेटेड बीमारी क्यों होगी। ठीक हो रहा है, थायराइड छोटी सी बीमारी विद इन ए वीक खत्म हो जाती है, नहीं तो डॉक्टर के पास थायराइड के लिए जीवन भर दवाई लो, महीने में 2-3 विजिट तो दे, कभी वो डेढ़ गोली कर दे, कभी आधी कर दे, कभी 2 कर दे, या तो 7 दिन में गोली से छुट्टी हो जाती है। तो इस प्रकार जो मेंटल टेंशन से रोग होंगे वो खत्म हो जाएंगे, अब नशा भी छूट जाएगा। वयस्क के लोग कहते हैं कि हम भगवान से तो नहीं डरते, मगर ये हीरोइन मारेगी, और छूटती नहीं, हमारे यहां तो हीरोइन पड़ोसी की नहीं रहती। कितने संत लोग कहते हैं कि शराब ये नागिन है, पता नहीं क्या क्या होता है, जहरीली नागण, फिर भी वो तो नहीं छोड़ते किसी को। हम तो कहते हैं उसको पकड़ लो, नागण छोड़ो मत। मैं कहता हूं एक बोतल पीते हो तो डेढ़ शुरू कर दो आज से, चैलेंज है, मगर नाम नहीं छोड़ लो, आज ही फैसला हो जाएगा, दिन नहीं लगेंगे। नाम और नशा साथ चल ही नहीं सकता। बाड़मेर में मेरा प्रचार इस अफीम के कारण से ज्यादा है, अफीम के कारण से ज्यादा है, बहुत अफीम थे वहां बाड़मेर में, बॉर्डर का एरिया है, वहां छूट जाता है, फिर उसकी बदबू आने लग जाती है, खा पी नहीं सकते, उल्टी हो जाती है। एक जो परिवर्तन आया वो खैर आपसे रिलेटेड नहीं है, मगर सबसे जो बड़ी भारी साइंस को एक चुनौती है वो मेरी तस्वीर से योग होने लग गया, मेरी तस्वीर से योग होने लग गया। भाई स्पिरिट ने तो स्पिरिट का भला किया है, आत्मा ने तो आत्मा का भला किया है, ये तस्वीर तो निर्जीव है, इससे क्यों हो रहा है? ये एक समस्या का साइंस के लिए समस्या है, आप लोगों का मतलब की बात नहीं है ये। आप लोगों में अगर धार्मिक प्रति के कुछ लोग हैं तो ये क्या हुआ मैं आपको बताऊं, ये क्यों हो रहा है? मैं आपकी तरह गृहस्थी आदमी हूं, परिस्थिति वश मेरे को आराधना करनी पड़ी। तो पहले पहले तो गायत्री सिद्धि होगी, वो निर्गुण निराकार की, ये जिस एनर्जी से ये फिजिक्स बनी हुई है उसमें ट्रांसफॉर्म होगी ये बॉडी, इनोसेंट वे में होगी, मैं नहीं जानता था ये क्या होगा। फिर जब समझ में आई तो मैंने कहा चलो
तो फिर कृष्ण वाली सिद्धि होगी, मतलब एक ही जन्म में दोनों सिद्धियां होगी, ये आज तक नहीं हुआ। निर्गुण निराकारी भी मुक्ति पाके गए हैं, संन्यास वाले भी, मंदिर पूजने वाले भी मुक्ति पाके गए हैं, कोई दोराय नहीं, परंतु उसके लिए असेंट करना पड़ता, के लिए हमको असेंट करना पड़ता है, वो परम सत्ता डिसेंड करेगी फिजिक्स में। ये एक अड़ंगा ऐसा हो गया, इसे दुनिया घबरा रही, क्योंकि तस्वीर से योग हो रहा है। आप कहीं भी अपने एरिया में करवा दो तस्वीर से, रोग ठीक हो रहा है, एड्स तो ठीक हो ही जाए, ठीक हो जाएगा, केवल तस्वीर से ठीक हो जाएगा। अहमदास उस आनंद से नशा आपको छोड़ जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी एक स्पीच दे रहे थे अमेरिका में, तो एक अमेरिका में पूछा, महाराज लेक्चर तो दे रहे हो लंबे छोटे, आपका सोता नहीं बैठना, आपके धर्म में तो एक सबसे बड़ा अड़ंगा है शाकाहारी मांसाहारी, हम सारे के सारे लोग मीट शराब खाने वाले, तो समझ चलते स्पीच में कह दिया, यू नीड नॉट टू गिव अप द थिंग्स, द थिंग्स विल गिव यू अप, मतलब आपको उन वस्तुओं को छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो वस्तु आपको छोड़ जाएगी, फिर क्या करोगे, फिर नशा कैसे करोगे। तो मैं तभी मैं कहता हूं कि मत छोड़ो, फैसला आज ही हो जाएगा, लंबा थोड़ा टाइम नहीं लगेगा। अब वो डॉक्टर बोल तो नहीं सकते, चले मैं अभी कही है तो, पर एक बात पूछ लेते हैं धीरे से, कहने देखो जी 20 साल तक अफीम खाया इस आदमी ने, और महीने का 2 किलो तक खाने वाले तो आगे, एक महीने में 2 किलो अफीम खाने वाले तो मेरे पास पहुंच गए, तो क्या ये छोड़ दिया, 5 दिन में छोड़ दिया, उसको आफ्टर इफेक्ट क्यों नहीं हुआ, जहर खाया उसका आफ्टर इफेक्ट क्यों नहीं हुआ। मैं उन्हें कहता हूँ भैया आप जिसको आफ्टर इफेक्ट कहते हो मैं उसको डिमांड करता हूँ। अब त्रिगुणों में माया से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण, तो आपकी जो वृत्ति है वो अंदर मांगती है, उसको सप्लाई करना पड़ेगा, ये साइंस उसको वृत्ति को शांत नहीं कर सकती। तत्व क्या है, वृत्ति क्या है, उनकी टेस्ट ट्यूब में पकड़ में नहीं आती, टेस्ट ट्यूब में नहीं आती, समझे समझे। तो मैंने कहा वृत्ति जब तक नहीं बदलेगा आदमी के, वो खान पान नहीं छुड़ा सकता, मर जाएगा वो तो अफीम चीज, तो आप कह रहे क्या छूट गया, और उनके सामने हजारों का छूट गया, तो इस प्रकार नशा भी छूट जाएगा, नाम जब ध्यान से वृत्ति बदल जाएगी नशा छूट जाएगा, समझे। अब ये जन्म तो सुधर गया, कैंसर एड्स मिट गया, सारे रोग मिट गए, नशा छूट गया है, मानसिक बीमारी मिट गई, ये भौतिक जीवन तो सुधर गया। अब आगे वाली बात सुना, मैंने पहले कहा था ना हमारे योग का उद्देश्य मुक्ति है, रोग नहीं है, मैं रोग ठीक करने नहीं निकला हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं एक सिद्ध योगी का चला हूं, उसकी शक्ति से ये रिजल्ट मिल रहा है, समझे समझे। ये कश्मीरी शैव सिद्धांत है, तो उसमें कोई जाति धर्म वर्ण नहीं है, तो ह्यूमैनिटी में होने वाला परिवर्तन है, मतलब बहुत संतों के हर धर्म के लोगों की भविष्यवाणी है, क्रिएशन ऑफ न्यू वर्ल्ड, भविष्यवाणी है क्रिएशन ऑफ न्यू वर्ल्ड की, कैसा होगा तब का क्रिएशन ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। अब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आदमी की स्थिति क्या होगी, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बींग, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बींग, मैं ये काम करने निकला हूं, मैं एड्स ठीक करने नहीं निकला हूं, कैंसर ठीक करने नहीं निकला हूं, कोई रोग, हाँ कोई रोग असाध्य नहीं है, हमारे योग में कोई रोग असाध्य नहीं है, चैलेंज कर रहा हूं, मेरे पास आते क्यों नहीं है, विज्ञान वाले आते क्यों नहीं है, और लेबोरेटरी के रिजल्ट है मेरे सामने 400 केस, तो वो कभी अच्छा है कि वायरल लोड 50 से नीचे ला दो, मैंने तो 500 को ला दिया, तो वायरल लोड जरूर टेस्ट करवा लेना आप लोग, कोई एड्स वाले आदमी HIV वायरल लोड, CD4 CD8 के साथ साथ एक और वो होता है
वो तो 50 से नीचे चला गया, इसका मतलब एड्स का उसके 5,000 रुपए लगते हैं उस टेस्ट के, इसीलिए समर्थ हो कराना, बाकी मत कराना, ठीक हो जाएगी नहीं गरीब करवाते नहीं बाद, मैं भी कहता हूँ मत करो। अरे आप क्या तकलीफ दे रही है, रोटी खाते हैं, दवाई बंद है 2 साल से, तो मैं ठीक है, मगर अपने लिए कोई वायरल लोड टेस्ट करवा करा सर। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव, तो सेशन को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव सभी को, गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो, जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल की अवतार की जय हो, जय गुरु, जय दादा गुरु, जय कृष्ण की, हर घर कल की, जय दादा, जय गुरु, जय गुरु।